लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करें क्या डायबिटीज की वजह से बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खराब जीवन शैली और खानपान से जुड़ी गलत आदतों के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की स्थिति हो तो हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। क्या डायबिटीज की वजह से बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल? हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों ही खानपान और जीवन शैली से जुड़ी परेशानियां हैं। इन दोनों परेशानियों में डाइट का मुख्य रोल होता है। डायबिटीज की समस्या में डाइट और लाइफस्टाइल का सही ध्यान ना रख पाने की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा रहता है। डायबिटीज में इंसुलिन की कमी होती है जिससे रक्त शुगर का स्तर बढ़ता है। इसका असर सीधे रूप से कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन ना केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज के कारण अधिक ब्लड शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स बनता है जो विभिन्न तरह के लिपिड को बढ़ा सकता है। इनमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। डायबिटीज के साथ कई बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है जिसमें उच्च रक्तचाप, हाई शुगर और ट्राइग्लिसराइड भी शामिल होता है जो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। सीने में दर्द और बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर से घबराहट होना, अचानक दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में लगातार थकान और सुस्ती बनी रहना, अचानक से शरीर के बाएं हिस्से में दर्द होना, मतली और उल्टी की समस्या होना। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो उपाय आप करेंगे तो इससे 100% आपको फायदा होगा। सॉरी। एक बार कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाने के बाद दोबारा लापरवाही बरतने से वह फिर से बढ़ सकता है। जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे नियंत्रित करें। रोजाना हाई फाइबर फूड्स, सब्जियां और फलों का सेवन करें। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण दिखने पर सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।